निपा वायरस का पहला मामला सबसे पहले सिंगापुर मलेशिया में 1998 और 99 में सामने आया था और अब इस वायरस की वजह से केरल में आए दिन लोगों की मौत हो रही है। निपा वायरस जब फैलता है जब व्यक्ति बीमारी ग्रस्त सुअर, चमगादड़ या दूसरे को जीवों के संपर्क में आता है। यह वायरस एन्सेफलाइटिस का कारण भी बनता है। खजूर की खेती करने वाले लोग इस इन्फेक्शन की चपेट में जल्दी आते हैं। इससे पीड़ित मनुष्य को तेज बुखार, सिरदर्द, मानसिक भ्रम, कोमा और आखिर में मौत होने के लक्षण नजर आते हैं। मलेशिया में इसके कारण करीब 50% मरीजों की मौत हो गई थी। मनुष्य में निपा वायरस ठीक करने का एक तरीका है सही देखभाल। रिबावायरिन नामक दवाई वायरस के खिलाफ प्रभावी साबित हुई है। इसके अलावा बीमारी ग्रस्त सुअर, चमगादड़ और अन्य जीवों से दूरी बनाए रखें।